Bismillah Rahim, welcome back to Machine Learning. So, today we topic start a new topic, which in itself is, is extremely simple, but it's the beginning of, of a series of, uh, of lectures, which cover uh, some of the most important algorithms in machine learning. Uh, cover lectures. So, I, I won't name it now, I, I won't go over any details right now. Let's begin with an example, and then let's see where, where the whole thing goes. ऑल राइट जी सो हमारे सामने एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है ये कुछ हमारे पास ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है लेट्स से ये एरियाज uh, जो आपके पास यहाँ पर लिखे हुए हैं uh, ये हमारे हाउसेस uh, के एरियाज़ हैं और इसके सामने uh, इनकी प्राइस लिखी हुई है मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो एरियाज़ लिखे हुए हैं ये मीटर स्क्वेयर के अंदर हैं सो so, कुछ हमारे पास लेबल होना चाहिए एंड सिमिलरली जो हमारी प्राइस है वो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि वो डॉलर्स में ठीक है वैसे इतने साइज़ का घर इतने डॉलर्स में uh, Uh, जहाँ आपको मिल रहा हो तो वो ज़रूर बताइएगा मुझे तो खैर इस बात अभी ये भी जहन में नहीं है कि ये मैंने ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है जस्ट केम अप विद दीज वैल्यूज सो बट एनी हाउ दीज आर आर एग्जांपल्स आपसे कहा यह जा रहा है कि बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग डेटा आपने 500 स्क्वायर मीटर्स 2000 स्क्वायर मीटर्स और 3500 स्क्वायर मीटर्स के घरों की प्राइसेस प्रिडिक्ट करनी सो यू विज रिग्रेशन राइट और ए की रिग्रेशन आपको अभी तक इस कोर्स में पढ़ाई गई है वो नियरस्ट नेबर रिग्रेशन है सो so हम ऐसा करते हैं कि इसमें वन एन एन और थ्री एन एन लगाते हैं और सिंपल अनवेटेड लगा लेते हैं उसमें कोई हम उसके डिस्टेंस के हिसाब से उसका वेट नहीं चेंज कर रहे सम सिंपल अनवेटेड इसके ऊपर नियरस्ट नेबर वन एन एन और थ्री एन एन लगाते हैं लेट सी

वेरी वेरी है स्पेशली इन एज केसेज में वो बहुत ही बुरी मिली है और आपको याद होगा कि जब हम रिग्रेशन की बात कर रहे थे आ, मुझे याद नहीं मैंने उस लेक्चर में इसका जिक्र किया था या नहीं किया था कि जो पॉइंट हमारे एज पर लाए करते हैं अगर हम उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें जो कि इतनी अजीब बात नहीं होती जितने एरियाज हमारे पास थे हम उससे बड़े एरिया को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमें एक्स्ट्रापोलेशन करनी पड़ रही है इन दोनों साइड्स पर और एक्स्ट्रापोलेशन में अक्सर आपका नियरेस्ट नेबर

Similarly, 2000 के केस में वो पॉइंट यहाँ पर कहीं होना चाहिए और 3500 के केस में वो पॉइंट यहाँ पर कहीं होना चाहिए यानी हमने इतनी मशीन लर्निंग इसके ऊपर लगा दी जबकि ये एक सीधी लाइन थी जिसमें एक फॉर्मूला लेट्स से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी वुड हैव कम्प्लीटली गिवन अस द करेक्ट आंसर द बिग क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड b? वी डोंट नो राइट अभी हमें इसका कुछ नहीं पता लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये ट्रेनिंग डेटा कम अज कम स्ट्रेट लाइन पर था और अगर हम इस लाइन से पूछ लेते तो हमें कुछ इस किस्म के रिजल्ट विच आर फार सुपीरियर टू द रिजल्ट अच्छा एक बात यहां पर और होना जरूरी है कि ये तो मैंने घर के एक एग्जाम्पल बना दी खुद से आई जस्ट जस्ट केम अप विद आज इट आउट ऑफ पे देता क्या ये रियल लाइफ को इंडिकेट करती भी है क्या ये रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करती भी है ये एग्जाम्पल यस रिलेशनशिप्स बिटवीन योर इनपुट फीचर्स एंड योर आउटपुट लेबल्स इज एक्चुअली अ वेरी फ्रीक्वेंट अक्रेंस इन इन एवरी डे लाइफ और मशीन लर्निंग में टाइम एंड अगेन आप ऐसे प्रॉब्लम से डील करेंगे जहां पर रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट फीचर्स एंड योर आउटपुट इज आईदर लीनियर और सम अदर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिटिकल रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होगा जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो सकता है और आप ये देखेंगे कि कुछ एल्गोरिथम्स हमारे मशीन लर्निंग के ज्यादा बेहतर होंगे ऐसे रिलेशन को पकड़ने में एज कंपेयर टू अदर्स सो नियरेस्ट नेबर इस केस में हमें यह दिखा रहा है कि वो इतने आराम से इसको नहीं पकड़ सका लेकिन वो सीरीज ऑफ एलगोरिदम्स जो हम यहाँ से सीखना शुरू कर रहे हैं ये वो एल्गोरिदम्स हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि ये पहले से एक बहुत बड़ी एजामशन लेकर चलते हैं ये एलगोरिदम्स ये एजामशन लेकर चलते हैं कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन योर इनपुट फीचर्स एंड योर आउटपुट्स इज लीनियर सो दे एज्यूम अ लीनियर रिलेशनशिप ठीक है तो अब और अभी हम बात फिलहाल सिर्फ रिग्रेशन की कर रहे हैं सो so, ये लीनियर रिलेशनशिप को अब मॉडल कैसे करें लीनियर रिलेशनशिप होता क्या है ये बनता किस तरह से है इसको अब हम आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे मैं यहाँ पर अभी इसी जगह रुकूंगा अभी तक का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आपको इस पॉइंट पर लाया जाए कि आपको समझ में आ जाए कि एक एक बहुत बड़ी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको रियल लाइफ में मिलेंगे जहां पर आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में बड़ा नाइस सा कोई रिलेशनशिप मौजूद होगा जो कि अक्सर लीनियर या लीनियर जैसा होगा और उस रिलेशनशिप के केस में अगर हम खाली किसी तरह से ये एक लाइन ढूंढ लें जो इन पॉइंट्स को फिट कर सकती हो किसी तरह से ये एम और बी से अगर मिल जाएं, तो फिर मैं सिंपली इससे पूछ सकता हूं एक्स की जगह फाइव हंड्रेड रख के मुझे बताओ कि जो है वो आउटपुट क्या होगी एरिया प्राइस क्या होगी 2000 रख के या 3500 रख के ठीक है तो इतनी सी सिर्फ बात है आपका पूरा मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम ये बन जाएगा y यानी आउटपुट इज इक्वल टू M multiplied by your input feature x plus b. So input feature yaha dalenge or y uh y hum H of x b ka karte grap ko yadu, nikal kar bahar And and we can then easily compute uh, either the mean squared error or any other type of error to figure out algorithm our algorithm chap So let's stop here and and let's let's continue this in in the next video, inshallah.